वही छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय की सुरक्षा में सेंध का मामला। छत्तीसगढ़ डीजीपी अशोक जुनेजा ने की पुष्टि। डीजीपी ने कहा कि सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इस मामले को देख रही है, कुछ लोगों को निलंबित किया गया है, आगे भी कार्रवाई हो सकती है। 25 फरवरी की शाम को पहुना में सीएम कक्ष के बाहर पिस्टल लेकर पहुंच गया था शख्स, और अब 3 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। कुछ और पर भी गाज गिरने की आशंका है, जांच चल रही है। डीजी अशोक जुनेजा सर, एक घटना हुआ है आज, वो क्या था और क्या एक्शंस लिए गए हैं? उसमें एडीजी गुप्त वार्ता ने काफी अच्छा एक्शन लिया है, जो गलती को निंदा अधिकारियों के खिलाफ और आगे ऐसी घटना की पुनर्वृत्ति ना हो इसको इंश्योर करेंगे। सर और अब आज जानमो में गिरा कच्चा मकान, बारिश के चलते गिरा कच्चा मकान, मकान गिरने से चपेट में आया गरीब और गरीब परिवार, जहां माँ और बच्ची मलबे में दब गए। माँ बेटी को निकाला गया बाहर, दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो दमोह में कच्चा मकान गिरा, बारिश के चलते कच्चा मकान गिरने की बात सामने आई है। मकान गिरने से गरीब परिवार इसकी चपेट में आ गया। माँ और बच्ची मलबे में दब गए, माँ बेटी को बाहर निकाला गया, दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। शाम को पानी गिरने के बाद बादल तड़को बहुत जोर से, तो बादल तड़क उस दमच में भीट गिरी, तो हम और हमारी मोड़ी दब गए थे, हमें कुछ पता ही नहीं तो चिल्लाया रहा तूने कुछ। वही जबलपुर में बारिश से फसलों को नुकसान हुआ। महाकौशल में बारिश और ओलावृष्टि, चना और मटर की फसल खराब हो गई। आप देखिए कि बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां जबलपुर का पूरा मामला, बारिश हुई और बारिश की वजह से फसलों को भारी नुकसान। महाकौशल में बारिश और ओलावृष्टि हुई, चना और मटर की फसल खराब हो गई।